अभी मैं सोच रहा हूँ कि सारे बच्चे आते देखो तीनों बैठ जाते, तो गए इसको तो मैं ऊपर लेके आ गया हूँ अभी चुका हूँ। और जो ना जो सामने सिटी मॉल है वो तो है बंद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हम सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे, अच्छे जितने भी डेलो के कैंडी मीडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस ये नहीं है कि आज है संडे का दिन, बच्चों को घुमाने फिराने भी जाना है, और उसके बाद उससे पहले जो है ना सबसे पहले मैं लेके जा रहा हूँ अपना ओप्पो वाला मोबाइल जो हमारे पहले था उसको बच्चों ने फेंका था, तो उसका जो है टच खराब हो गया था, तो वही जो ना बनवाने जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर सब खुला हुआ। तो लास्ट टाइम मैं गया था ना आपा का मोबाइल बनाया था तो वो सस्ता बन गया था, तो मेरा सिर्फ टच है, अल्लाह करेगा ये भी जल्दी बन जाएगा, सस्ता बन जाएगा ना, तो इसको फिर बना के वाइप कर देंगे, क्योंकि जो मेरा ब्लैक मोबाइल ना वो बच्चे बहुत डर लगा रहे थे कि फिर से ना तोड़ दे, पहले भी उसकी एलसीडी बहुत महंगी थी। तो अभी जान से पहले रुका था एटीएम पे, यहाँ से निकलवाए हैं पैसे, अभी ये देखें मार्केट कैसे है माशाल्लाह। आज संडे का दिन है ना तो आज इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, वैसे जना आने जाने का मज़ा होता है कि आपको ना बाइक सुकून से लेके जा सकते हो। तो खैर अभी आगे चलते हैं। तो गैस मोबाइल मार्केट में आ चुका हूँ और जो ना जो सामने सिटी मॉल है वो तो है बंद, तो आज हम यहीं से कहीं से बनवा लेते हैं, यहीं से कैसे मतलब यहाँ पर दुकानें हैं लेकिन ज़्यादातर मैं वहाँ से बनवाता हूँ। मीर कैसे हो? ठीक हो? अच्छा सलाम तो करो। दूसरा वाला माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मीर कितना अच्छा है ना, मीर है भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। मीर उसको छोड़ दो आ जाओ मीर, मैं आपको घुमाने भी ले चलता हूँ, आ जाओ। हाँ आपको घुमाने भी ले चलता हूँ, ठीक है? हाँ भैया, क्या भैया बूबू, क्या 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 तुमने, आइए बैठा, बोलता जो भी है प्यार साहब मीर से करते, मुझसे कोई नहीं करता, ठीक है हम लोग तुमसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते, सही है ना? और कुछ बोलने, ठीक है हम लोग जा रहे हैं, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, जब एक बार बोले ना वो समझ जाया करो, सही है ना? गाइज मैंने इसको बोला कि हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, बाइक पर जो ना तुम्हें नहीं लेके जा सकते, इसलिए बाइक पर बल्कि लेके जा सकते लेकिन जो ना ये स्केट शूज़ ले उठा के बैठ रहा था, मैंने बोला बाइक पर कैसे कार पर जाते फिर अपना उठा के चलता है, तो ये बोलते हैं नहीं तुम लोग तो मीर से प्यार करते हो इसलिए मुझे शूज़ नहीं उठाने देने, ये है वो है, ये कोई बात हुई भला? कैसे मीर, मीर छोड़ दो यार, छोड़ दो, इसकी मिन्नत करने का फ़ायदा ही नहीं है, छोड़ दो, बड़ा भाई है छोड़ दो उसको, लेकिन बड़ा है लेकिन बेवकूफ़ है, आप समझदार हो आ जाओ। हाँ आप उसको लेके जाना था, जो मीर बोलेगा गाइस मैं वही करूँ, मीर को हम मीर इसको लेके चले, नहीं लेके चले? हाँ नहीं लेके चले, चल ठीक है फिर चलो घर हम लोग चले, आ जाओ नहीं फिर उसको क्यों लेने गए हो, चलो उठो अभी, कब से मिनते करे हमजा उठ जा, अभी मारूंगा तुझे मैं, हमजा उठ जा, हमजा उठ जा, इसको पकड़ पकड़, हमजा उठ जा, हमजा उठ जाओ। गए अभी देखिए मैं इसको ना अंडरटेकर का, आपने दाव देखा है कभी, इधर देखिए अंडरटेकर का दाव जो ना बहुत इजी होता है, देखो इसको ये ऐसे बहुत ही इजी होता है, नो 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 गर्दन पर सीधा रखना होता है, नो नो जो ना, ओ नो 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 नो। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, पहले मैंने सोचा कि पूरी फैमिली लेके चलता हूँ, फिर पहले तो आपा ने ना किया कि भाई मैं नहीं जा रही बच्चों को लेके जाओ, फिर फाजी ने बोला मैं भी नहीं जा रही मैं मम्मा के साथ यहीं पर हूँ, फिर हमजा के नखरे शुरू हो गए, भाई मैं ये स्केटिंग शूज़ पहन आके चलो बाइक पर बैठा हूँ, तो मैंने बोला स्केटिंग शूज़ तो नहीं पहना सकता ना, तो फिर वो भी नहीं गए, अभी नसीब देखो मीर का नसीब है, अभी मीर और मैं फिर जा रहे हैं बाइक पर, क्योंकि ये छोटे ना ये अच्छे हैं, छोटे बच्चे अच्छे जैसे बड़े तो ना बदतमीज ना बात मान रहे, कुछ चले मीर चले, हाँ ये अच्छा है यार ये बहुत अच्छा है। तो गए अभी मैं इसको लेकर आ गया सीधे की तरफ जहाँ पर ये दीवार है, तो दीवार तो पूरी फुल है, मैंने सोचा कि यहाँ पर चलते हैं, मीर को ना यहाँ से ना पूरा समंदर दिखा दो सामने, मेरी वाइफ को भी ले गए थे लेकिन यहाँ से तो ये लोग जा ही नहीं पाएंगे। हाँ आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खाते हैं, रुको पहले आ जाओ आगे, फिर भी तुम्हें कोशिश करता हूँ मीर दिखाता हूँ मैं। तो गए इसको तो मैं ऊपर लेके आ गया हूँ अभी, ये देखें, ओ भाई साहब मीर क्या हुआ, मीर जो डर रहे इसको देख के ना नीचे भी नहीं उतर रहा, मीर जो नीचे ही नहीं उतर रहा भाई, ओ भाई साहब मीर ये क्या है, वो देखो सामने बंदे इस टाइम पे भी इवनिंग टाइम पे भी नहा रहे, हाँ ये पाई है, हाँ मुझे भी पता पाई है, ये पाई है बहुत बड़ा पाई है, अभी यार समझ देखो यहाँ लगा, लास्ट टाइम हम लोग गए थे कहाँ पर था, बहुत पीछे था, अभी गर्मी है ना तो अभी यहाँ लगा गए, बल्कि ये सामने मछुआरे हैं इस टाइम,
तो गाइस अभी मीर को आइसक्रीम लेकर दिए मैंने। मीर तुम खाओ ये, घर चलके ना हमजा वालों को दिखाएंगे कि मीर है ना आइसक्रीम खाइए। क्या खाइए? आइसक्रीम, ताकि उनको समझ जाए कि बाप के साथ पंगा लेंगे तो क्या होगा। खाओ मीर खाओ। हमजा ये देखो मीर क्या कर रहा है। मीर क्या कर रहे हो बोलो? आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहा है भाई, आइसक्रीम खा रहा है। खाओ खाओ। कैसे देखना अभी मीर खाएगा और बोलेगा मीर करो नहीं आज पूरा डाल दे मुंह के खा रहे और फिर कर रहे मीर मुझे तो मैं खाऊं थोड़ी सी बाबा। तो गैस अभी मीर को लेके हम लोग आ गए चंकी मंकी की तरफ ताकि और दूसरे बच्चों को पता चले कि भाई मीर कहाँ कहाँ से। ओए मंकी भी है मीर, अरे तुम्हें पहले मंकी दिखाऊं। मीर वो देखो मंकी चश्मा कैसा पहना हुआ है। चलो तो गए अभी हम लोग आ गए अंदर और यहाँ पर ये देखें ला ला ला। मीर देख रहे हो झूले, देख रहे हो? आ जाओ, तुम्हारी जो दुनिया ना वो नीचे है, आ जाओ। तो अभी असल जो चीज़ें ना वो है नीचे की तरफ चंकी मंकी में। अगर हम चलते हैं नीचे और मीर के कराते हैं मज़े। मीर क्या करोगे? मज़े मतलब नीचे कुछ कोई शोर वोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? नीचे तो मैं आ गया लेकिन मैंने तो कार्ड ही नहीं लिया इसका, चंकी मंकी का लेके आऊँ या पहले ऐसे बिठा बिठा के चलते हैं इसको? वैसे कौन सा पता चलता है? हाँ मीर झूला खाने, हाँ मीर झूला झूलने आगे वाला। ठीक है तुम मम्मा के साथ जाओ, मैं ऊपर से कार्ड बना देता हूँ। तो भाई 1000 रुपये का रिचार्ज करा लिया हमजा के कार्ड, मीर के कार्ड खिला लिया, मीर को मजे कराने हमने। कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए? ओए मीर, मीर इसके ऊपर बैठोगे? ये तो खा लिए। आ जाओ किसी अच्छी जगह पे बिठा दो, आ जाओ अवा बाबा। मीर इसके ऊपर बैठो, आ जाओ, ये दो बच्चों वाला है। मीर चल गया। मीर मैं भी बैठूं? हाँ ये तुमने बैठने, ये बैठ जाए इसके साथ, मैं भी बैठ सकता हूँ ना इसके ऊपर, ये ना टूट जाए। इसके ऊपर तो मैं भी बैठ सकता। क्या तुम खेलो 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 खेलो, अभी खाइए ना आइसक्रीम। चलो अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, नहीं चलो। क्या हुआ मीर? हाँ घुमा इसको पानी में लेके जाने, पानी से निकालने तुमने हमें, जल्दी निकालो मीर हमें, हम पानी में डूब रहे हैं, जल्दी कर मीर तुझे हमें बचाना पड़ेगा, हमें बचाना होगा, जल्दी करो पानी से निकालो इसको, घुमाओ हाँ शाबाश, और घुमाओ नहीं अरे ठीक है खेलो। जी रुक जाओ तुम्हें किसी अच्छे और पे बिठा दो, रुक जाओ। अबे मीर का नसीब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब कब से चल ही रहा है, चल रुक ही नहीं रहा। जी ये इसको रुकेगा तभी उठाएंगे ना पैसे पूरे करो यार मीर, पैसा हराम नहीं कर मीर। इधर रुको मीर, बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग? अबे मीर इसके ऊपर बैठना, नहीं बैठना, नहीं तुम इसके ऊपर भी नहीं बैठोगे, पैसे ज़ाय करोगे मेरे। मीर काठी को चलाएं? हाँ देखना अभी चलेगी काठी, सही है ना? अभी इसको आखिरी बार कर रहे हैं। चल पड़ा जा उधर से खड़ी हो, उई मीर गिर ना जाए, उई मीर पकड़ के बैठो, उई मीर उड़ रहा है, उई लकड़ी की काठी का, ओए इसमें से किसी को बिठा देते। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सारे बच्चे आते देखो तीनों बैठ जाते इसके ऊपर 100 रुपए में, अभी से भी अकेले ही बैठा हुआ है। गंदे बच्चे यार, बात ही नहीं सुनते बस। ये सारा बड़ा एसी लगा हुआ यहाँ पे तो मज़े हैं भाई, फुल ठंडी हवा आ रही है। जी मज़े करो भाई मीर, आपके मज़े हैं यार, तुम भी बैठ जाओ मैं भी बैठ जाता हूँ, ठीक है? हम दोनों भी गाइस बैठ जाओ ना, मज़ा आएगा, इधर चिंता मत, नहीं मजबूत है बस। काठी बस ज़्यादा काठी नहीं करो। अच्छा चलते भी ज़्यादा दे रहे हैं उसकी नस्बत, डॉल्फिन मॉल की नस्बत, डॉल्फिन मॉल का देखा जल्दी रुक जाते हैं वो। अबे यार ये तो नीचे उतर गया मीर, अब क्या होगा? किसी करो। ये मीर क्या कर दिया आपने, क्यों उतरे हो?
अच्छा ये जो ना अभी तक ही चल रहे, रुक ही नहीं रहे। हाँ भाग गया ये, पकड़ 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 इसको, इसको पकड़, इसको कान पकड़ो। निकाल इसको। चलें जी, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की दिन थी आपके साथ में थी, और जो बाकी जो थी वो आपको बताना है बाकी है। ठीक जी, कल की जो मैंने वीडियो डाली उसके ऊपर बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई नैना लोग आपके घर पे क्यों आए, आप लोग तो फातिमा को जो ना घर पे नौकरानी बना के रखना चाहते हो, ये है वो है, फातिमा के से मतलब ये काम कराओगे वो कराओगे, ये है वो है। और उसके अलावा मुझे भी बोल रहे थे कि भाई किस इसको नहीं आने दो, उसको नहीं आने दो, ये करो वो करो। तो मतलब बहुत सारे ज़्यादा सवाल थे, तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूँ, मतलब उसी को मैं एक एक और जवाब नहीं दूंगा, मैं कल ही जवाब दूंगा। मैंने ये सोचा कि भाई बाद में जो ना आपके सवाल के जवाब दे दूंगा अभी। और मैंने एक बोला था कि अभी गुड न्यूज़, और मैंने शायद अपनी वाइफ का भी लिखा था गुड न्यूज़, तो सब बोले गुड न्यूज़ यही थी कि भाई आप अपनी नैना वालों को अपने घर पर रखे, छोटा सा घर है ये है, दो कमरों का घर है। तो खैर अभी शुरुआत ये करते हैं कि पहली बात तो ये दो कमरों का नहीं है, तीन कमरों का घर है। टीवी लॉन्च को हटा के एक हमारा, एक आपा वालों का, एक अब्बू का जो रूम था वो खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि भाई नैना लोग यहाँ पर क्यों आए, और पहली बात तो वो कोई मुस्तकिल तो यहाँ पर रहने नहीं आए, उनका अपना घर है, रेंट पर है, सब कुछ है, वो सिर्फ यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए, वो पूरा साल यहाँ पर रहने आए हैं सिर्फ कुछ दिन के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पर उनका जो छोटा बेबी है उसकी तबीयत ठीक नहीं, और यहाँ पर आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी जो उसको नोबलाइज वगैरह सब कुछ किया, हमारे पास मशीन पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो एक तो ये मसला है, और दूसरा उनके घर पे पानी की मोटर जो थी वो भी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए जब तक वो नहीं बनती इसलिए, तो मतलब। और दूसरी बात ये भी है कि भाई मेरा मतलब क्या बोलते हैं, मेरी मेरा घर है, और मेरी मतलब बहन लगती है, आप लोग मतलब जो भी बोलो तो मेरी बहन लगती है, मतलब वो हम लोग भी तो जब यहाँ पर पानी या कोई मसला होता हम भी तो उनके घर पर जाते थे, अगर वो अभी आए तो लोगों को इतने सवाल, इतने सवाल, अभी मैं क्या बोलूँ, ये है वो है, तुम सब मिले हुए हो, पता नहीं क्या से क्या, मतलब इतने ज़्यादा यार क्या मतलब आपके कहाँ पर सोचे एक बंदे ने इस बात को, तो मैं मतलब ये चीज़ करता ही नहीं हूँ, लेकिन मतलब कोई अगर किसी के कोई बहन मतलब अच्छा ये बोल रहे हैं, ज़्यादातर ये था कि आप लोग फातिमा को नौकरानी बना के रखना चाहते हो, ये है वो है। अगर आपके घर पर जो ना क्या बोलते हैं आपकी बहन आती है, उसका बच्चा हुआ है, या कोई मतलब कोई भी मतलब बहन आती है, माँ आती है, कोई आता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोग उसके नौकर बन गए, मतलब एक सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इतनी ज़्यादा बातें मुझे करने, ज़्यादातर लोग करने लगे थे भाई ये मतलब आप लोग जो ना उसको नौकरानी बन कर, मतलब दो चार दिन के लिए आपके घर पर कोई आता है तो मतलब सबको जो ना हम लोग नौकर बन जाते हैं, पता नहीं क्या है। एक तो सारे जो ना मुझे इंग्लिश में लिख रहे थे, इतनी ज़्यादा इंग्लिश में, मतलब सब पढ़े लिखे लोगों की बात करूँ, मतलब इतनी इंग्लिश में लिखे हुए, फुल इंग्लिश में लिखे हुए, यू आर फूल, ये वो पनी क्या से ग्राम। तो भाई ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें यूट्यूब होती हैं, कुछ चीज़ें यूट्यूब से हटके भी होती हैं, कुछ मतलब और भी होते हैं, बंदे के अंदर इंसानियत भी नाम की कोई चीज़ होती है, सिर्फ मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर हमारे यूट्यूब चलना है तो यूट्यूब के लिए हम लोग सारे सब कुछ ख़त्म कर दें, और जो ना मतलब फेक मतलब जो मतलब ऐसे झूठा इंसान बन के घूमे के भी मैं जो ना क्या बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और जो ना क्या बोलते हैं बच्चे की जो ना वो क्या बोलते हैं ख्याल रख सकती है, पहली बात तो है भाई उसका सी सेक्शन हुआ, उसके साथ अम्मा है, अम्मा उसके बेबी का ख्याल रख रही है, ना कि हम लोग ख्याल कर रहे हैं, 24 घंटे वो अम्मा है उसके साथ, उसके बेबी का, उसके खाने पीने का सब कुछ वही करती है, ना कि हम लोग करते हैं, और ना ही कोई फातिमा भाभी उसकी नौकरानी बनी हुई है, कुछ बनी हुई है। तो खैर ये मतलब हम लोगों में से मतलब घर में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कमेंट सेक्शन वाले थे सिर्फ उन्हीं को जवाब दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप लोग किसी इंसान को माफ़ भी कर दिया करें, इतना नहीं है कि भाई आप हर बात में मतलब इतने सवालात उठाएं कि बंदा मतलब एक टेंशन में आ जाए कि ये क्यों है वो क्यों है। सही है, मतलब आप वो जैसे बोलते ना आम खाओ गुटलियाँ क्यों गिनते हो, ऐसे वैसे ही बातें, मतलब हम लोग एक कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं आप वही देखें, ना कि ये मतलब इतने खुद घुस मतलब इतना जो ना किसी के पर्सनल चले जाएं कि ये नहीं करो, आप ये नहीं खाओ, वो खाओ, वो नहीं खाओ, वो चीज़ पहनो, ये चीज़ नहीं पहनो, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता यार। अगर होता भी है मतलब हमें सोशल मीडिया पे मतलब आप लोग बोलोगे सोशल मीडिया पे आए तो बातें सुननी पड़ेंगी, वो बस ठीक है, लेकिन मतलब जो बंदा लिख रहा है वो भी तो आगे इंसान ही है, मतलब किसी को मतलब इतना भी तंग नहीं करना चाहिए कि मतलब ये करो वो नहीं करो, ये है वो है। मैंने यकीन मैंने किसी के कमेंट सेक्शन इतने नहीं देखे जिनको मतलब लोग पर्सनल मैसेज करते हो, पर्सनल इतने ज़्यादा पर्सनल कमेंट करते हैं। तो खैर जो है मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, खैर भाई मेरी मतलब बातें जो अभी आप सब की समझ में नहीं आएंगी, और मुझे नहीं पता कि समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ।
तो खैर अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ है, अभी बस वीडियो को भी यहीं पेंड करता हूँ क्योंकि हम 10-15 सुबह उसको स्कूल भी जाना, ये ना के उठ जाए। और ये मीर जो ना अभी तक सो नहीं रहा, तो बस इसे मीर भाई वैसे पहले बाहर था अभी आ गया। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं गाइज, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो माजरत। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।